देखिए, नीतीश कुमार जी ना सिद्धांत बचा ना कोई बिहार की नीति बचा है। नीतीश कुमार जी अब बिहार के विकास की नहीं कुछ कर सकते हैं। 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वो कहते हैं अब करेंगे। अरे कब करेंगे? सभी जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं और केदार गुप्ता इस बार विधानसभा पहुंचने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों का मदद मिल रहा है सबका बहुत धन्यवाद है। और अब वोट गिराने का समय है। 5 तारीख को एक एक वोट कमल छाप के निशान पर गिरे, इसके लिए पूरा प्रयास करना है। नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी जी हैं सर, आज अंतिम दिन है प्रचार का, क्या लगता है फिर से केदार गुप्ता जी जीतेंगे? देखिए, 200% यहाँ केदार गुप्ता चुनाव जीतेंगे। नीतीश कुमार जी ना सिद्धांत बचा ना कोई बिहार की नीति बचा है। नीतीश कुमार जी अब बिहार के विकास की नहीं कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी अब कुछ नहीं कर सकते। 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वो कहते हैं अब करेंगे। अरे कब करेंगे? आप 72 साल के हो गए, आप 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हो, अब किसके लिए बोल रहे हो? अब बिहार को मुक्ति दीजिए, यही आग्रह करने आए। सीटेट का अभ्यर्थी पर कल कुर्सी भी स्वाभाविक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण वाला डिसीजन था। पुलिसों को इस तरह नहीं करना चाहिए। सिटी बीटी और सेट वाले लोग जो हैं, उन लोगों ने पूरी तरह मेहनत करके पास किया है परीक्षा। उनका यह अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि 2 लाख से अधिक जो हमारा, हम लोगों ने 7वां फेज का घोषणा किया था नियुक्ति का, उसको जल्दी कराए। नहीं तो हम लोगों ने 13 तारीख तक का वार्निंग दिया है, विधानसभा और विधान परिषद नहीं चलने देंगे। आज चिराग पासवान में है, क्या पासवान वोट और भारतीय जन परिवार पार्टी के माली वोट, बीजेपी सारा वोट इकट्ठा हो रहा है? पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी वोट, सभी जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं और केदार गुप्ता इस बार विधानसभा पहुंचने का काम कर रहे हैं। सहयोगी हैं सर, उनको क्या कहना चाहिए, खास करके प्रीति कुमार माली है, चिराग पासवान है? स्वाभाविक है, जिन लोगों का मदद मिल रहा है सबका बहुत धन्यवाद है। और अब वोट गिराने का समय है। 5 तारीख को एक एक वोट कमल छाप के निशान पर गिरे, इसके लिए पूरा प्रयास करना है। चलिए, एक एक वोट जो है 5 तारीख को कमल के निशान पर गिराना है। और यहाँ देखिए कि अभी जो है कार्यक्रम जनसभा जो है वो खत्म हुआ है। पीछे चिराग पासवान की गाड़ी है, आगे रवि किशन जो गोरखपुर से सांसद है उनकी गाड़ी है। और यहाँ पे साफ कहना है कि जो भी हमारे सहयोगी हैं, चाहे वो भारतीय जन परिवार पार्टी के प्रीति कुमार माली हो, चाहे चिराग पासवान हो या अन्य नेता हैं, सभी लोगों को धन्यवाद। और बार बार कुढ़नी की जनता से ये निवेदन है, जैसा कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं, कि कुढ़नी की जनता से निवेदन है कि आप जो है एक नंबर पर जा करके आपको 5 तारीख को सुबह सुबह जा करके वोट कर देना है और बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता को जो है यहां से जिताना है। और साथ में जो सहयोगी पार्टी हैं उनको भी धन्यवाद जो है वो दे रहे हैं। और इसके अलावा बता दें कि 8 तारीख को जो है रिजल्ट है, 5 तारीख को वोटिंग है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, अंतिम दिन चिराग पासवान जो है यहाँ पहुँचे और चिराग पासवान ने एक तरह से माहौल बना दिया है। और चिराग पासवान के समर्थन के साथ बीजेपी गदगद है और बीजेपी ये कह रही है कि ये जो चुनाव है ये केदार गुप्ता के पक्ष में जा चुका है, बस औपचारिकता यानी ऐलान बस बचा हुआ है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।